था, मेरी शादी 2008 में हुई थी, 2008 में हुई थी। तो मेरी वाइफ है ना, मतलब कि एक दो दिन ही मेरे साथ रही, और हालांकि ये 14 दिन की टोटली शादी चली थी। धारणा हमारे साथ जो किया, जो कोर्ट कचहरी का है, बिल्कुल ख़राब मैटर है। ये एक एक पार्टी को ही देखा जाता है, लड़कियों को ही सॉवरेंट बना दिया गया, और बाकी हम जैसे को है ना कोई पूछ है ही नहीं। कुत्ते बिल्ली हमें इंसान समझा ही नहीं गया, जानवर की तरह हमें ट्रीट किया गया। जानवरों के लिए भी लॉ बने हुए हैं, मगर हमारे लिए कोई लॉ बना ही नहीं है। मैं ले देके सीधा यही होता कि पैसा ही पैसा मांगती है, लड़कियां पैसे ही मांगती है। मैं कम से कम 6-7 लाख रुपये वैसे दे रखा हूँ लड़की को लीगली में, और बाकी मेरा 13-14 लाख के आसपास खर्चा हो गया कोर्ट कचहरी में। मैं चाहता हूँ मेरे साथ भी जो भी भाई जो भी दोस्त हमारे हैं वो कभी ऐसे केस में फंसे। मेरी शादी 2008 में हुई थी, 2008 में हुई थी। तो मेरी वाइफ है ना, मतलब कि एक दो दिन ही मेरे साथ रही, और हालांकि ये 14-12 दिन की टोटली शादी चली थी। उसके बाद वो चली गई और ऐसे नखड़े करने लग गए धीरे धीरे। जब लाने जाता तो आती नहीं है, तो पता नहीं चला गया। फिर एक बार है ना वैसे ज़बरदस्ती करके लाया भी घर पे, तो उसको नस वस काटने लग गई। तो इसके बाद ऐसा हुआ, हमने फिर समाज में बात की, समाज में सब कहने लगे भाई कोई नहीं अलग माहौल दो। माहौल में उसके माँ के गया तो उसके बाद फिर आती नहीं। वो बार बार ये कहती है तेरे पूरे फैमिली को फंसा देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। 2008 का मैटर है ये, 2010 में हमारा केस शुरू हुआ था, जिसमें मैंने अपने इधर पुलिस वाले को अपना ये क्या कहते हैं वो मतलब कि कंप्लेन दिया था। मैंने कोर्ट को बताया जी मैं अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ, मेरे ससुर जी हमें लाने नहीं देते हैं, ऐसा जो भी था सिस्टम ये था। तो उसके बाद मेरे ससुर ने क्या किया कि मेरे ऊपर ना मतलब फॉल केसेस लगा दिए। 498A आएगा, जिसमें DV एक्ट भी आ गया, और ये HMA 24, ये सब केसेस उन्होंने लगा दिए मेरे ऊपर। और जब इतना लगा दिया और मेरे पूरे फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया गया, जिसमें मेरे इसके कारण मेरी माँ की डेथ भी होगी 2015 में, ये केस चलते चलते। और केस को हमने सहा है, मैंने काफ़ी कुछ सहा है इतने दिनों को। आज 2023 का मैटर हो गया, ये केस मैंने पूरा एक्विटल भी हुआ 498 का। जेल अभी जाना पड़ा हाल ही में, रिसेंटली 2000 जेल में मैं एक महीना रहा हूँ, वो भी जज के, जिसमें मैंने मेंटेनेंस भी पे किया था कोर्ट के अंदर, और मेरी फैमिली से भी पैसा लिया गया। उसके बाद भी जज ने हमें छोड़ा नहीं। अब मैं तो यही चाहता हूँ कि और मेरे को तो जो न्याय मिलना था वो तो मिल गया, पर मैं चाहता हूँ मेरे साथ भी जो भी भाई जो भी दोस्त हमारे हैं वो कभी ऐसे केस में फंसे ना। ये क्योंकि फॉल केस ही होता है, इसमें ले दे के सीधा यही होता है कि पैसा ही पैसा मारती है, लड़कियाँ पैसा ही मांगती है। डिमांड जज की भी ऐसी होती है कि ना अपना सेटल करो, कोई ये नहीं चाहता कि ना मतलब कि पैसा इतना मोटा मांगता है, ये 20-25 लाख। मेरे साथ भी कंडीशन ये थी, हालांकि मेरा आज 0 में सेटल हो चुका है, मतलब कि फाइनल है, मैं क्वालिटी ग्राउंड जीत चुका हूँ कोर्ट के अंदर। तो मैंने काफ़ी है ना अपना पैसा मतलब कि मैंने दिया नहीं है, हालांकि अभी मेंटेनेंस मेरा जारी रहेगा आने वाले समय में, हालांकि मेरा मेंटेनेंस आज भी जारी रहेगा इतने सालों के बाद भी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मेंटेनेंस हाई कोर्ट में भी मैटर पेंडिंग है, तो मैं कम से कम 6-7 लाख रुपए वैसे दे रखा हूँ लड़की को लीगली में, और बाकी मेरा 13-14 लाख के आसपास खर्चा हो गया कोर्ट कचहरी में। जबकि तलाक मेरे को मिल चुका है, डिवोर्स मेरे को मिल चुका है, वो भी क्रुएल्टी ग्राउंड पे, जो मैंने लड़की को सिद्ध कर दिया। मैंने कोर्ट को बताया कैसे क्या था मेरे साथ, ये चीज़ें की गई, क्रुएल्टी ये था। और मेरे पास एक नहीं, मेरे पास 5-5 केसेस झेले हैं मैंने कोर्ट के अंदर इसी तरह ये 5 केस है, जिसमें 498A है, 406 34 नंबर, फैमिली को भी अप्रूव की बनाया गया था। मेरे फैमिली में 6 मेंबरों के नाम थे, और 6 को आना पड़ता था, हमें कम से कम उसके साथ 6 बेलर को भी लाना पड़ता था। मेरी बेल भी इतने लंबे समय तक के लिए 6-6 महीने में डेटा मिलती थी, और हमें सारे परिवार को हमें लेके आना पड़ता था यहाँ कोर्टों में। और मैं जानता हूँ उनके मेरे भाभीयों के बच्चे थे छोटे छोटे, तो उनको हमें है ना मतलब के साथ ही लाना पड़ता था, काफ़ी तकलीफ़ें करके हमें लाना पड़ता था। यही कहना मतलब कि ये है ना अननेसेसरी जजों ने जो भी धारणा हमारे साथ जो किया, जो कोर्ट कचहरी का है, बिल्कुल ख़राब मैटर है। ये एक पार्टी को ही देखा जाता है, लड़कियों को ही सॉवरेंट बना दिया गया, और बाकी हम जैसे को है ना कोई पूछ है ही नहीं। कुत्ते बिल्ली हमें इंसान समझा ही नहीं गया, जानवर की तरह हमें ट्रीट किया गया। जानवरों के लिए भी लॉ बने हुए हैं, मगर हमारे लिए कोई लॉ बना ही नहीं है। आज 498 का केस ऐसा जहर बन गया, इंसान सुसाइड कर रहा है। हमारी भी नौबत ऐसी पड़ गई थी कि हमें सुसाइड करना पड़ेगा। 2016-17 में मेरी सिचुएशन ऐसी थी, मेरी माँ गुजर गई। जज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या है क्या नहीं है, जज ने हमें डेट भी नहीं देते थे फालतू, हमें 6-6 महीने 3-3 महीने घुमा के रखते। तो इसके बाद हमने फिर जजों से हमने स्पेशली हम अपने फिर हमने खुद ही सोचा, खुद ही पढ़ा, हमने जो भी केस है खुद ही आज लॉ के स्टेज पे हम आगे, हमें खुद ही इतनी नॉलेज हो गई है कि आज है ना हम खुद ही अपनी पिटीशन खुद ही बना के जज के सामने आर्गुमेंट कर सकते हैं।